श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज शनिवार है और किसी न किसी साधक की कहानी मैं आप लोगों को हर बार ही सुनाता हूँ। इस शनिवार कहानी थोड़ी अलग है, इस बार आम जनमानस की कहानी और साधना से आम जनमानस कैसे परेशान होते हैं उसके बारे में। एक औघड़ से मिला था मैं उज्जैन में, सारे दांत टूटे हुए। साथ में जो गुरु बंधु थे उन्होंने बताया कि एक साल से श्मशान में रह रहे हैं और जो चिता में बचा हुआ रहता है वही भोजन करके ये जीवित हैं, इसीलिए इनके सारे दांत खराब हो गए। उस समय मेरा भी शुरुआती दौर था, थोड़ा मैं मंझ गया था, पूरा नहीं मंझा था। तो शव साधना और इस तरीके का विद्या देख के काफ़ी मैं भी अचंभित रहता था कि वाह ऐसा भी होता है। मेरे साथ और भी बंधु थे जो मुझसे ज़्यादा परिपक्व थे इन सब चीज़ों में, तो मुझे लगा एक आम साधक होंगे। बात आई बात गई, संपर्क में रहे, अच्छी बातें होती। कुछ और लोग उनसे जुड़े और जब जुड़े तो कहानियां बनने लगी और कहानियां लोगों को पता चलनी शुरू हो गई। आपने अपने आसपास में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिना बहुत मेहनत किए, या ये बोलना गलत हो जाएगा कि बहुत मेहनत किए बिना, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन लक्ष्य उनका बड़ा जादूगर वाला होता है और जो उनको मिलना है वो धन भी बड़ा जादू या आंकड़े में रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई सफल होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा शिकार होते हैं इन चमत्कारों के। मुझे एक दशनामी साधु मिले थे, उन्होंने बोला कि हमारे गुरु ने हमें 100 से ऊपर माउटी सिखाई है, मतलब ट्रिक्स। मैंने बोला गुरु को विद्या सिखाना चाहिए, वो माउटी क्यों सिखाता है? तो बोला कि जनता को चमत्कार चाहिए, इसीलिए मैं चमत्कार दिखाता हूँ तो वो मुझे पैसे देते हैं जिससे कि मेरा पूरा संस्था चलता है। अगर आध्यात्म दूंगा तो कोई नहीं मेरे पास आएगा, भगवान की बात सुन के लोग सिक्के चढ़ाते हैं। तो उसी में कुछ हाई लेवल की माउटी होती है, ट्रिक्स। मुझे पता चला कि कुछ लोग जो औघड़ साधक थे उनके संपर्क में आए, दंतविहीन साधक थे, और वो साधक इनको नोट बरसा के देने वाला है। आश्चर्य की बात, जो शुरुआत की साधना थी उसमें खर्च करीब 3 से 5 लाख का था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3, 3.5 या 5 लाख जो भी है, अगर इतना खर्चा करके कोई आपको करोड़पति बना दे तो हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति बनना चला जाए। दूसरा कि मुझे नोटों की बारिश पे अविश्वास भी नहीं था। क्यों बता रहा हूं, हमारे गुरुगादी में एक बहुत मंझे हुए अघोरी थे, आप जब उनसे मिलने जाते तो वो कहीं पहाड़ वहाड़ पे आपको मिलते, एक नॉर्मल सा व्यक्ति आता, जैसे कि हर अघोरी दिखता है वैसे ही वो भी दिखते हैं, मतलब ये तांत्रिक अघोरी नहीं, अघोरी जो होते हैं जो गुफा में रहते हैं, काला वस्त्र, एक काला झोला, और फिर वो झोला निकालते थे, पूछते थे आपसे चाय पियोगे, आप बोलो हाँ चाय पियेंगे, तो वो उसी छोटे से झोले से केतली निकालते थे, उसी से फिर चीनी निकालते थे, फिर उसी से चाय पत्ती निकालते थे, उसी से माचिस निकालते थे।
उसी से दूध भी निकलता था, वही छोटे से झोले से। और बाद में वो नोट बरसाते थे, फिर उस नोट में आग लगा देते थे और उसकी गर्मी से वो चाय पिलाते थे, चाय बना के दे देते थे, जो नोट नहीं जला उसको वापस उड़ा देते थे। तो ये एक विद्या है, लेकिन कितनों के पास है और कितने ट्रिक करते हैं ये जानना बहुत मुश्किल है। तो खैर, कुछ लोग उस व्यक्ति के बात में एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। पहले दिन पैसे की डिलीवरी होनी थी। अगले का कहना था कि इसमें पराशक्तियों को कुछ ऐसा धातु दिया जाता है जो कि सिर्फ सिद्ध बनाते हैं। यहां तक बात विश्वास करने वाली थी, क्योंकि पराशक्तियों को सचमुच कुछ ऐसी वस्तुएं लगती हैं जो कि सिद्ध ही दे सकते हैं। वो विद्या आम जनमानस के पास नहीं है, वो अघोरियों के पास विद्या है, जिसमें एल्कमी जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आप लोगों ने पारस मणि के बारे में सुना। कहीं दूर सुदूर जंगल में इनको 3 घंटे चलवाने के बाद एक व्यक्ति कहीं पेड़ के नीचे मिला, उसे पता था ये आ रहे हैं, इन लोगों ने पैसा दे दिया उनको और फिर जान का जोखिम लेके वापस आए। दूसरे दिन नोटों की बारिश होनी थी, एक गुफा तय हुआ। जो साधक था वो बड़ा मजबूत साधक था, उसने इन लोगों को बुलाया, ये लोग गाड़ी से गए, उसके बाद गाड़ी का बंधन ऐसा किया कि गाड़ी फिर दिख नहीं रही थी, ये इन लोगों ने देखा। उसके बाद इन लोगों को गुफा के बाहर बैठा दिया और बोला कि अब मैं नोटों की बारिश करूंगा, जब बुलाऊं तो तुम लोग आ जाना। उस जंगल में कुछ तो अजीब था, क्योंकि रोने की आवाज़, किसी औरत के आसपास होने का आभास, ये सब बार बार हो रहा था। साधक अकेले उस गुफा में गया था, लेकिन उसके बात करने की आवाज़, बात का जवाब आ रहा है, ऐसी आवाज़ें ये सब आ रही थी। डर भी था और खुशी भी थी कि अब कुछ क्षण में करोड़पति होने वाले। इनको बुलाया गया, इनसे एक बक्सा मंगवाया गया और बक्से में धीरे धीरे करके नोट भरने लगा। इनको बोला हाथ डाल के देखो, हाथ डाला तो नोट बढ़ता ही जा रहा था। फिर उस साधक ने हाथ डाला और उसमें से कुछ नोट निकाल के इसके हाथ में दे दिया और बोला कि जाओ इसको खर्च करना। फिर सूटकेस बंद हुआ और उसने बोला इसमें जितना मैंने तुमको बोला है, जो भी बोला होगा 10 करोड़ 20 करोड़, उतना जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक ये बक्सा खाली नहीं होगा, लेकिन इस बक्से को अभी मत खोलना। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब आप यहां से चलोगे तो आपको एक नदी मिलेगी, नदी के कोने में एक लड़की आपको खड़ी दिखेगी, वो आपको हाथ दे, आप मत रोकना, अगर बीच में आ जाए तो गाड़ी चला देना लेकिन रोकना मत। इन्होंने सोचा कि चलो कुछ होगा, बक्सा उठाया, खाली बक्सा दिया था, भरा हुआ बक्सा, दो लोग मिलके ना उठा पाए ऐसा बक्सा। ये लोग लेकर के घर पहुंच गए। रास्ते में जैसा उस साधक ने बताया था, जो पहली नदी मिली इनको, उस नदी के कोने पे एक औरत खड़ी थी जो इनको रुकने का इशारा कर रही थी, नहीं रोकने पे वो गाड़ी के बीचों बीच आ गई और जो ड्राइवर था वो सतर्क था, उसने उसके ऊपर से गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं, वो साया था जैसा साधक ने पहले बता रखा था। तो हर एक क्षण समझ में आ रहा था कि जो भी हुआ है, जो ये बारिश हुआ है, ये सही हुआ है। ये घर पहुँचे, साधक ने बोला मैं दूसरे दिन आऊँगा, खुद से इस बक्से को खोलूँगा, तुम मत खोलना इसको।
साधक आया ही नहीं। इन लोगों ने फोन किया, साधक ने बोला मैं अभी साधना में हूँ, कल बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं कुछ साधना कर रहा हूँ, साधना करके फिर आऊँगा तुम्हारे पास। ये रुके, साधक का फोन आया तीसरे दिन कि साधना में त्रुटि हो गई है, तुम लोगों के मन में लोभ आ गया था, तो वो जो शक्तियाँ जिन्होंने ये नोट की बारिश कराई थी वो रोष्ट हैं, उनको और भोग देना होगा, 4 लाख रुपए और चाहिए, मरता क्या ना करता, उधार लेके इधर से उधर से इन लोगों ने और 4 लाख रुपए साधक को दिया। फिर सुदूर जंगल में गए, बोला गया कि जो शीशी मिलेगी, जो बाटली मिलेगी, वो ला करके सिर बक्से पे उझल देना, शक्तियां भोग ले लेंगी। वैसे ही सुदूर जंगल में कोई एक मिला, इन लोगों ने पैसा दिया, उन्होंने उसने एक शीशे की बाटली दी, बाटली भरी हुई थी, और ये लोग फिर गाड़ी से उसको लेकर के आ गए, खुशी खुशी आए। जब घर पहुंचे तो बाटली खाली, अब उसमें क्या था नहीं पता, लेकिन बाटली खाली। इन्होंने फ़ोन किया साधक को कि बाटली तो खाली हो गई। उन्होंने ओहो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका मतलब आप लोगों ने तोड़ दिया, अब फिर से ये लाना होगा, मतलब 4 लाख। और इन लोगों ने बोला अब ऐसा नहीं हो पाएगा, हम अब पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप बताओ और क्या कर सकते। साधक ने बोला मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन बाद वो बक्सा वहीं रखा रह गया, लोग इंतज़ार करते रह गए। एक दिन वो बक्सा खाली होने लगा, और जब खाली हुआ तो जिस सेल्फ पे वो रखा था उसके चारों तरफ सिर्फ खून के छींटे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बक्सा से खून निकल के चारों तरफ बहा हो। ये सब डर गए, एक साधक को बुलाया, पंडित को बुलाया, खुलवाया, अंदर एक गुच्छा फूल निकला सड़ा हुआ और कुछ नहीं निकला। ये होता है प्रेत विद्या, ये होता है नजर बंद करना, ये होता है भानुमत। शायद हरी होती है, मैंने कहानियां सुनी, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं, किसी को दे दिया हो ऐसा नहीं सुना, करते हैं ये पता है। कहते हैं कि 10 में किसी का एक सही बैठता है, 7 में किसी का एक सही बैठता है, लेकिन आज तक मैंने किसी करोड़पति या अरबपति को नहीं देखा है जिसने नोट की झरी करवाई हो और अमीर हो, ना किसी साधक को देखा है कि जो झरी सीख करके और अमीर बन गया हो। मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि आप सतर्क रहें। बेसिक साधना सीखनी है तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 ये मेरा ID है, आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। महादेव आप लोगों की रक्षा करें ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।